सोचा है भाड़ा नहीं लगेगा, सोचा यूट्यूब कोई गांव का नाम है, बोले भाड़ा नहीं लगेगा, मोबाइल में दबाना झारखंडी ऊपर, बोले आप ऊपर हो जाइएगा, बोले हम नहीं, उसका क्लिप ऊपर आएगा, उसमें बहुत सी तकरीरें हज़ारों यूट्यूब झारखंडी बाबा लिखना या मौलाना सिद्दीक़ हसन झारखंडी लिखना, उसमें बहुत सी तकरीर गरीब नवाज पे है, बहुत तकरीर करबला पर बहुत सारी तकरीर है, अभी तो कुर्बानी आ रही है, उसके बाद तो मुहर्रम आएगा, अभी जितना यताल मताल पियंकर पागल सब हुसैनी बन जाएगा, एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाले में जाके फंस के गिर गया है, करबला मुहर्रम आने कसम खुदा के एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है, और जाके पी के घुड़मुड़िया मार दिया है, एकदम मोहल्ले में चार गो तीन गो फूटल ढोल न सुतेगा न सुतने देगा, मुहर्रम के नाम पे तबाह, कुछ लोग एतराज करता है, अभी वो गोल टोपी वाला पूछ रहा था, झारखंडी साहब आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जमा करते हैं, हम बोले गर्दन में जमा करते हैं, बोले हम लोग मुर्गा नहीं खाते, बोले क्यों, बोले मुर्गा कौन किताब में है, हम बोले मुर्गा किताब में नहीं रहता है, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है, बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, बोले खांची से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहो, अच्छा मुर्गा कहीं किताब में रहता है, अब मुहर्रम में मुर्गा खाए तो उसको फतवा, आप लोग रबी अव्वल में झंडा मुहर्रम में झंडा लगाते हैं कि, बोला आप लोग झंडा लगाते हैं सब शीर के भी रहते, झंडा कौन किताब में है, हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है, हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, कहिए हम लोग बांस में रखते हैं, तुम लोग खोजेगा जब रबी अव्वल का झंडा होगा तो ठीक है खोजेगा, लेकिन जब इलेक्शन आएगा मुखिया झंडा, जिला परिषद का झंडा, एमएलए एमपी झंडा है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो जोड़ा पत्ता हो, गाड़ी मानेगा, चाल में मानेगा, कपार में मानेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज बिदत नहीं, जब सुन्नी मुसलमान मोहल्लम कर दिया तब इसको बिदत सूझने लगा, और वो झंडा इलेक्शन वाला ममता बनर्जी का झंडा कपार में मान के जीतेगा 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 जीतेगा, तब नाजायज नहीं, अरे तू उस झंडे को ढोता जिसमें छाप रहता है, हाथी छाप रहे, साइकिल छाप रहे, जूता छाप रहे, चप्पल छाप रहे, वो तेरा है, अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है, हम उस झंडे को ढोते हैं, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा, करे तो आप लोग फातिया करते जो भी करो वही वही उतरा, वो लोग तबाह है हम लोग के पीछे, कसम खुदा हम लोग कहीं फंस भी जाएंगे ना, भाड़ा उड़ा नहीं भी रहेगा ना, तो टोपी बेच के घर आ जाएंगे, इतनी कीमती टोपी है, और वो लोग 1.5 रुपया 3 रुपया 3.5 रुपया 4 टका 5 टका गोल टोपी मेंटल जितना टानो उतना टना दिए, उसमें क्या दाम है, हम लोग को जाते हैं, बल ये लोग शिर्क बिदत करता है, अजीब शिर्क बिदत हम लोग करते हैं, कोई सुन्नी मुसलमान शिर्क नहीं करता, शिर्क उसे है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना, ये शिर्क है, और मजार पे हम लोग जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं जाते, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं, बल ये लोग कब्र पूजता है, कब्र में सजदा करता है, कोई मुसलमान सजदा करता है, कोई कब्र पूजता है, कब्र पूजने वाले मुशरिक है, हम लोग कब्र नहीं पूजते, कब्रों की जियारत करते, कबर में सजदा नहीं करते, अब यताल मताल पागल जाके कबर में घुड़मुड़िया मारे, मथा पटके उसमें हमें ठिका लिया, मसलके आला हजरत क्या कहता वो देखो, पैगाम ताजु शरिया क्या है वो देखो, औरतें भी जा रही मजार कौन रोकता है, लेकिन मुसलमानों याद रखना मजार से औरतों को दूर रखना, ये आपके इमाम तकरीर करेंगे तो इमाम को छुट्टी करा दीजिए, होता है औरतें मजार पे भीड़ लगाई बैठी है, अब तो लग रहा है कि कुछ दिन के बाद मजावर वगैरह सब वही लोग रहेंगे, हम मर्द कोई काम नहीं, भीड़ वही लोग करते, नमाज पढ़ने कही अगर नमाज कहने पढ़ते हैं चाची अल्लाह सुझो मजार जब भी चाची हाँ बैठ जाओ गड़िया मजार जाने दीजिए, हमारे इलाके में को सारहट है कसम दा, जितने भूता ही जो भूत लग गया चलो सारहट झूठे बोले भूत लगल है, अच्छा जब भूत लगेगा जाके तुम जाओ वहाँ जाके सुतल रहो भूत झड़ेगा चल देना, वहाँ जाके सिंगाड़ा खाती है, अच्छा कौन भूत लगा है सोचो कि सिंगाड़ा खा रहे मजार में जाके जब तुमको भूत लगा है तुम सिंगाड़ा, और वो भी क्या चटनी मिला के, कितना वीआईपी भूत है, भूत को कैसे पता होता कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए, जब तुमको भूत लगा है तो जाके मजार में सुतो सिंगड़ा में चटनी मिला मिला के खा रहे, हम पूछे चाची आप लोग यहाँ काहे आते हैं, बोले मौलाना साहेब हमारे कलेजवा खाए गए, हम बोले फोक्सिया बचलो ना वही मैं
चार हफ्ता, पांच हफ्ता, छह हफ्ता जाती है, कसम तक जा रही आ रही जा रही आ रही। क्या तरीका है उन बेटियों को कहे बहुओं को कि मुसल्ला तू बिछा, हाँ चल उठा के दुआ कर। अरे तेरे दुआ में रब ने गारंटी रखा है, तेरा चेहरा अगर बेटा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए, माँ बाप का नाम मोहब्बत से ले ले तो जिंदगी संवर जाए। देखिएगा गाड़ी में लिखा रहता है पीछे माँ का आशीर्वाद, चाहे वो हिंदू बरादरी की गाड़ी हो चाहे मुस्लिम बरादरी वाले, लिखता है माँ का आशीर्वाद। गाड़ी यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से बंगाल, कभी कुछ होता है, कभी सास के आशीर्वाद लिख देना और गाड़ी चला देना। हमको लगता है दुर्गापुर जाते जाते सात पटकनिया। एक जगह तकरीर कर रहे थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, एक लड़का का झारखंडी सा है, आप कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाज़ा है, ये सब तो सुने हैं हजरत, जानते भी हैं, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का